नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 अगस्त और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 के अंतर्गत हम विटामिन्स पे बात करेंगे। शनिवार है, आज का दिन साइंस का होता है और करंट अफेयर के 10 प्रश्नों को देखेंगे। सरल सरल प्रश्न है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। कम समय का सेशन आज होगा। विटामिन शब्द किसने दिया था? कभी आपसे पूछा जाए तो आप इनका नाम जानते होंगे। पंक ने विटामिन शब्द दिया था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 1911 में इनका पूरा नाम था कैसेमिर पंक, ये इन्होंने ये शब्द दिया। और इन्होंने कहा कि विटामिन जो है इनको, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जीवन सत्व भोजन, तो सभी जीवों को इनका मतलब अल्प मात्रा में ही चाहे लेकिन इनकी जरूरत पड़ती है, इनका उपयोग होता है सबके लिए। और ये जो विटामिन है ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं और ये यौगिक है कार्बनिक, इन्हीं को विटामिन कहा जाता है। शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं होते, भोजन के रूप में इनको लिया जाता है। यहां से एक प्रश्न बनेगा कि विटामिन शरीर में होते हैं या फिर भोजन के रूप में इनको लेना पड़ता है, तो भोजन के रूप में इनको लेना पड़ता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत देखेंगे तो ये गेहूं अंकुर का तेल, यूपीपीसीएस का ये प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। और गेहूं के अंकुर से जो तेल निकाला जाता है उसमें 100 ग्राम में 225 मिलीग्राम विटामिन होता है, तो ये अच्छा स्रोत माना जाता है। 100 ग्राम में 255 मिलीग्राम, मुझे गलत याद आ रहा था, 255 मिलीग्राम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, है ना, विटामिन डी की अगर कमी होगी तो। दोनों बातें यहां पर सही दी हुई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। विटामिन डी की अगर कमी होगी तो अस्थियां मुड़ जाएंगी और इसमें विटामिन डी मछलियों के यकृत के तेल में पाया जाता है, दोनों बातें सही हैं। वैसे विटामिन डी का स्रोत और क्या होता है जरा आप बताएंगे? सब्जियों को धोने से विटामिन डी निकल जाता है, अगर आप सब्जी लाते हैं और खुद धुलते हैं तो विटामिन डी निकल जाता है, ऐसा होगा सोचकर। और विटामिन डी का देखिए वही जो प्रश्न मैं पूछ रहा था, सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। आप धूप में बैठिए, हमेशा एसी में अंदर ही ना बैठे रहिए, बाहर निकलिए, थोड़ा धूप वगैरह लगे। जैसे जो लोग बाहर आते जाते हैं तो उनको तो मिलता ही रहता है, कभी कभी धूप सेकना पड़ता है लोगों को, है ना, तो जितनी आर्टिफिशियल लाइफ होगी उतना ज्यादा ये संकट है। तो विटामिन डी की पूर्ति आपकी होती रहेगी उससे, और सब्जियों को धोने से ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई विटामिन डी उससे नष्ट नहीं होता है। सब्जियों की धोने से विटामिन डी नष्ट नहीं होता है, क्या नष्ट होता है जरा सोचते रहिए। अगला जो प्रश्न है, विटामिन सी गर्व करने पर नष्ट नहीं होता है और विटामिन ए की कमी के कारण मशरूमों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। अगर कोई चीज आप बना रहे हैं और गर्म कर रहे हैं तो विटामिन सी उससे नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, तो नष्ट नहीं होगा यह कहा जा रहा है। और जबकि सही बात यह है कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है, तो पहला इसलिए गलत हो गया। दूसरा है जो दिया है, विटामिन ए की कमी से मशरूमों में रक्त आता है, यहां पर विटामिन ए की कमी नहीं होती है, विटामिन सी की कमी होती है। विटामिन सी की कमी के कारण मशरूमों में रक्त आता है, दांत हिलने लगते हैं, तो आंवला खाइए, विटामिन सी वाली और चीजें खाइए, जितनी भी तीखी चीजें जिसको करके सी सी आप करते हैं उन सब में विटामिन सी होता है, खट्टी चीजें में विटामिन सी होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत है, गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। मसूरों वाला ये ध्यान रखिएगा, मसूरों वाला विटामिन ए से रिलेटेड नहीं है, विटामिन ए आंखों से रिलेटेड है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, आपकी जो स्किन है स्किन के लिए अच्छा हेल्दी माना जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, कौन सा विटामिन है? तो इस विटामिन का नाम है विटामिन सी, जिसके बारे में जितने भी सिट्रस फल हैं, जो भी खट्टे फल हैं, संतरा है, मौसम्बी है, जहां पे भी थोड़ा सा नींबू है और आंवले में वैसे पाया जाएगा, मिर्चे में भी पाया जाता है, तो मिर्चा तो बहुत ज्यादा आप खा नहीं सकते, है ना। अगला जो प्रश्न है, निकोटिनिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? निकोटिनिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन को ही जाना जाता है, और विटामिन में B7 देखें तो विटामिन B7 को निकोटिनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, विटामिन B7 को। और ये ऊतकों में चलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है, तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में ये भाग लेता है। पाचन ग्रंथियां जो हैं और रक्त उत्पन्न करने वाले जो अवयव हैं उनके कार्यों पर ये प्रभाव डालता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल में मिलता है, गेहूं के चोकर में मिल जाएगा, अंडे में मिल जाएगा, पत्ता गोभी में मिल जाएगा, टमाटर आप खाएंगे उसमें मिल जाएगा विटामिन B7, है ना, खमीर में मिल जाएगा। यूपीएससी की तैयारी करने वाले, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले
बड़े योग्य हो जाते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाता है उनको, शरीर का जितना भी अंग है एक एक अंग का सब कुछ उनको पता चल जाता है, अच्छा बुरा कमी सब। विटामिन का शरीर में मुख्य कार्य क्या है? शरीर की अनियंत्रित वृद्धि, रोगों से रक्षा और उपयुक्त दोनों। क्या करता है विटामिन? अनियंत्रित वृद्धि शरीर का करेगा, शरीर का जो है वो अनियंत्रित वृद्धि नहीं करेगा, सामान्य वृद्धि करेगा विटामिन, और रोगों से रक्षा तो करेगा। विटामिन की कमी होगी तो आप बार बार बीमार पड़ेंगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे अभी जब कोरोना का इलाज चल रहा था तो उसमें विटामिन सी की गोलियां खूब महंगी हो गई थी, चूसने वाली जो गोलियां आती हैं, और उसमें दुनिया भर का उन लोगों ने क्या किया, जिंक डाल के, उस समय बड़ी सस्ती टेबलेट आती थी, अब उसको महंगा कर दिया, 12-12, 15-15 रुपए की टेबलेट देने लगे वैल्यू एडेड करके, मतलब वैल्यू एडेड करने के नाम पे। तो ये सब बेवकूफ बनाने की कला होती है, और लोग जो है वो अपना व्यवसाय व्यवसायिक खेती को साधते हैं इसमें, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी खैर नहीं है, लेकिन अब दुनिया है। निम्नलिखित में से असुमेलित युग की पहचान करें, रिकेट्स, विटामिन डी, स्कर्वी, ये रोग दिए हुए हैं और किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो रिकेट्स विटामिन डी, क्या ये सही है? सही है। स्कर्वी विटामिन सी, ये भी सही है। रतौंधी विटामिन ए, आंखों में जो हो जाती है रात को ना दिखना, है ना, नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो रात में दिखता नहीं है, विटामिन ए की कमी से। और विटामिन B6 दिया है पेलाग्रा, तो पेलाग्रा जो है वो विटामिन B3 से होता है, B6 से नहीं होता है ना, तो ये गलत है, यहाँ पे डी ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है, ये B3 से होता है, बाकी यहाँ पे सही है। विटामिन के व विटामिन B12 का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है, मानव शरीर में विटामिन ए का संचय आमाशय में होता है, ये दो बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। और मानव शरीर में विटामिन ए का संचय आमाशय में होता है, विटामिन ए का जो संचय है वो आमाशय में नहीं होता है, वो होता है लिवर में, लिवर मतलब लिवर को कहते हैं यकृत, आमाशय तो यानी स्टमक जो आपका है, तो आमाशय में नहीं होता है वो यकृत में होता है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। विटामिन के और विटामिन B12 का संश्लेषण आंत की जीवाणुओं द्वारा होता है, और मानव शरीर में विटामिन ए का संचय लिवर में होता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए डेली 30 जब आप करते हैं तो कई बार आपको लगता है अरे ये सब तो हमको पता है, रिवीजन हो जाए, और कई चीजें जो आपको जैसे ये तो रहता है कि विटामिन ठीक है, लेकिन कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वैसे और आप पढ़ लिया कीजिए, ग्रुप में कई लोग बढ़िया प्रयास करते हैं, और इसका PDF आप इसीलिए रखिए कि रिवाइज कर सके, रिवीजन आपका हो सके, इसलिए नहीं कि बस उसको सजा के रख दीजिए, है ना। टेस्ट दीजिए रोज, आप एक सेशन ऐसे करें और फिर 5 मिनट में टेस्ट दे डाले, 30 क्वेश्चन देखने कितना लगेगा, ज्यादा बहुत लगेगा तो 7-8-10 मिनट लग जाएगा, मैं 20 मिनट का टाइम उसमें रखता हूँ, इसलिए रख देता हूँ ज्यादा, और आप चाहें तो उसको मैं 10 मिनट ही कर दूँ, 5 मिनट कर दूँ, वो अपने हाथ में है, आपको स्पीड बढ़ाना हो बताइएगा आप ग्रुप में। और जिन लोगों ने इसको नहीं ज्वाइन किया है, अगर वो चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, IAS Prep Academy जो हमारा ऐप है उससे ज्वाइन कर लीजिए, 109 का सब्सक्रिप्शन है, डेली का PDF मिल जाएगा और आपको टेस्ट भी मिल जाएगा, वीकली टेस्ट मिल जाएगा। कैल्सिफेराल यानी विटामिन का नाम है, और रोग अस्थि रुग्णता, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बांझपन, और नायसिन पेलाग्रा, इसको ध्यान से पढ़िए। विटामिन जो डी है ये सूखा रोग से है, कैल्सिफेराल अस्थि रुग्णता से संबंधित है, बोन डिजीज से, और विटामिन के दिया हुआ है बांझपन, बांझपन का संबंध विटामिन के से नहीं होता है, ठीक है ना, विटामिन से के से इसका संबंध नहीं होता है बांझपन का। ये विटामिन के की अगर कमी होती है तो रक्त में थक्का बनने की समस्या होती है, यानी कि अगर आपका कहीं कुछ चोट लग गई, कट गया कुछ, कोई भी अंग, तो कुछ भी कहीं चोट लगी है तो वो लगातार खून बहता रहेगा, खून की कमी हो जाएगी। और नायसिन पेलाग्रा तो कई बार पूछा गया है, यहाँ पे सही उत्तर सी हो जाएगा, यही असुमेलित है, ठीक है। और जरा बताइएगा बांझपन में क्या कोई विटामिन का है, इसको कॉमेंट करके आप बताइए, ग्रुप में डिस्कस करिए। हाँ, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनका ग्रुप जो बना हुआ है उसी की बात होती है, उसमें टॉपिक हम बता देते हैं कि आज डिस्कस होगा, लोग पढ़ लेते हैं। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? ए और बी, ये दो विटामिन है, विटामिन के नाम है ए बी, तो ये किसने खोजा था? तो एक वैज्ञानिक हुए हैं मैकुलन, बी ऑप्शन पे दिया ही हुआ है, तो ए और बी विटामिन की खोज मैकुलन ने की थी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? कोबाल्ट, कोबाल्ट जो धातु है बी विटामिन में पाई जाती है, B6 में पाई जाती है कि 3 में कि 12 में, ये आपको बताना है। तो कोबाल्ट जो धातु है, कोबालामिन B12 को कहते हैं, तो कोबालामिन B12 अगर आपको याद है तो कोबाल्ट उसी में मिलती है, और शरीर में स्वास्थ्य और प्रणाली जो आपका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य प्रणाली जो पूरी है उसमें इसका बहुत अच्छा योगदान होता है, ठीक है। तो ये B12 इसका सही उत्तर हो जाएगा,
स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली आप ऐसे कहिए, तो इसमें बेहद आवश्यक विटामिन होता है। कभी कभी न्यूरोबियन टेबलेट, न्यूरोबियन कोड का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो बहुत ज्यादा आप न खाइए, लेकिन कभी आपके पैरों में दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे वीकनेस लग रही है, तो आप वो ले सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स भी आप खा सकते हैं, न्यूरोबियन कोड खा सकते हैं। विटामिन ई, अगर बाल झड़ने की समस्या है आपकी, चेहरे पर चमक लाना चाहते हैं, तो विटामिन ई आप ले सकते हैं 400 mg की लीजिए। अब मैं यहाँ डॉक्टरी नहीं कर रहा हूँ, आपसे एक नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ले सकते हैं, है ना। मुझे डॉक्टर वॉक्टर मत मानिएगा, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल आप फॉलो करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगला जो प्रश्न है, जनन क्षमता की कमी के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? आ गया ना। तो अभी मैंने पूछा ही था आपसे, तो जनन क्षमता की कमी के लिए ये विटामिन जो ई होता है, और विटामिन ई का नाम होता है रासायनिक टेकोफेराल। टेकोफेराल जो है ये जनन क्षमता की कमी है उसके लिए, अगर किसी के पास कमी है तो उसके लिए उत्तरदायी होता है। और जैसे हरी पत्तियां, गेहूं, अंडे, इन सब चीजों का सेवन करने से, टेकोफेराल अगर आपको चाहिए, विटामिन ई चाहिए, तो इन सब का सेवन करिए। अंडे की जर्दी, जो लोग अंडा खाते हैं, तो इन सब का सेवन करने से ये जनन क्षमता की कमी, पेशियां कमजोर होना, सब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, कौन सा विटामिन वसा में नहीं घुलता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आप याद कर लीजिए, ए डी ई के ये होते हैं। विटामिन सी जो है ये वसा में घुलनशील नहीं होता है। विटामिन सी किस में घुलनशील होता है, ये भी प्रश्न बन रहा है, विटामिन सी जरा बताइए। तो ए डी ई के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, है ना। विटामिन ए रेटिनॉल, है ना। विटामिन डी अगाकल्सोफेराल होता है, ई जो होता है टेकोफेराल होता है, और के जो होता है वो नेप्थिक्विनॉल होता है। ये दिया हुआ है आपके, इसमें सब दिया हुआ है। तो ये सब जो है, ये विटामिन सी जो है ये नहीं घुलेगा, बाकी वसा में घुलनशील है। विटामिन B12 को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, और B12 नहीं, B2 दिया है, सॉरी। और B2 की कमी से स्वच्छ दृष्टि का अभाव पाया जाता है। विटामिन B2 भी दृष्टिगत समस्याओं के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन B की अगर कमी होगी तो त्वचा में सूसन आ जाएगा, और जीवा में सूजन आ जाता है, जिसको ग्लस्टिस कहते हैं, और त्वचा में जो सूजन आता है उसको डर्मेटिस कहते हैं। दृष्टि की स्वच्छता में साफ ना दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना, ये हो जाता है, इसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों बातें ये सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है, बेरी बेरी विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? जो बेरी बेरी विटामिन है, बेरी बेरी जो विटामिन है वो विटामिन B1 को कहा जाता है। B1 का नाम, वैज्ञानिक नाम थायमिन होता है, और उसी को बेरी बेरी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, है ना। और वयस्कों को अगर देखा जाए तो विटामिन की जो मात्रा चाहिए, हाँ, तो इसका B1 उत्तर हो जाएगा, और B1 की 1 mg मात्रा रोज चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसको संपूर्ण काल में लगभग 5 mg की आवश्यकता B1 की होती है, और ज़्यादा अगर होगा तो आपकी जो टॉयलेट है, टॉयलेट से ये निकल जाएगा, मतलब आप जब मूत्र विसर्जन करने जाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो कभी भी आप विटामिन के कैप्सूल्स या ये सब बहुत ज़्यादा खाएंगे, जैसे आप बिकसूल 3-4 खा लीजिए, तो आपकी पेशाब पीली हो जाएगी, उसमें से निकल जाएगा वो, है ना। ज़्यादा शरीर इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, स्टोरेज ये फालतू का नहीं करेगा, विटामिन में ये खासियत है। तो विटामिन B1 की कमी अगर हो जाएगी तो शरीर कार्बोहाइड्रेट्स और फास्फोरस का संपूर्ण प्रयोग नहीं कर पाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, विषैला एसिड जमा होकर रक्त में मिल जाएगा, जो तंत्रिका तंत्र है उसमें प्रभाव डालेगा। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसी कारण से इसको बेरी बेरी विटामिन भी कह दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन ए अधिक रोशनी में चीजों को देखने में सहायता करता है। तो विटामिन ए अधिक रोशनी में तो सहायता की क्या जरूरत है, जब सब कुछ प्रकाशमान है तो उसमें क्या किसकी मदद चाहिए? जैसे मान लीजिए कि सब कुछ है ही है आपके पास, तब हेल्प क्या, जहां अंधेरा होगा वहां मदद करना चाहिए ना। तो दूसरा तो रीजनिंग का प्रश्न है, दूसरा स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, जहां पे धीमा प्रकाश होता है, कम रोशनी होती है, अगर विटामिन ए की कमी है तो आपको वहां नहीं दिखेगा। विटामिन ए अगर है आपके पास तो कम प्रकाश में, कम रोशनी में भी आपको दिख जाएगा। उपापचय में विटामिन आवश्यक सहकारी है, गलत बताना है आपको कि विटामिन का कार्य नहीं है, तो आवश्यक सहकारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एसेंशियल कोऑपरेटिव माने जाते हैं मेटाबॉलिज्म में, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का मोचन करते हैं, ये भी सही है। ये शरीर, ये विटामिन जो है विभिन्न आक्सिकारी एंजाइम के भागों के रूप में
प्रोटीनों का संयोजन करते हैं, प्रोटीन को संयोजित करने का काम भी यही करते हैं, ठीक है ना, कंबाइन करते हैं ये प्रोटीन्स को और ये शरीर का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं। तो विटामिन्स जो है ये निर्माण जो है, ये प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, निर्माण करना और मरम्मत करना, ये विटामिन्स का काम नहीं है, प्रोटीन करता है शरीर का निर्माण। प्रोटीन की कमी होगी शरीर का डेवलपमेंट उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, उसके टूट फूट की मरम्मत करना, है ना। जैसे घर में आपके प्लास्टर कहीं टूट गया तो आप मिस्त्री लेके आते हैं, सीमेंट लगवाते हैं, पुताई करवाते हैं, तो ये सब काम आपके शरीर में कौन करता है, तो ये प्रोटीन्स करते हैं, है ना। प्रोटीनों का संयोजन विटामिन जरूर करते हैं, तो ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, ये विटामिन्स का काम डायरेक्टली नहीं है। अगला जो प्रश्न है, विटामिन एक अकार्बनिक यौगिक है और विटामिन बी और सी जल तथा वसा में घुलनशील होते हैं। आ गया ना मामला। तो जो एक अकार्बनिक यौगिक है विटामिन, ये सही है, और विटामिन बी और सी जल में और तथा, ये गलत है, डी और के वसा में घुलनशील होते हैं। अगर जल और वसा दोनों में बात की जाएगी तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा तो गलत ही है, और अकार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं ये, मैं गलत बोल गया शायद, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो दूसरे में ये ध्यान रखिए, बी और सी ये जल में होते हैं और ए डी के जो होते हैं वो वसा में होते हैं, दोनों में वसा में एक प्रश्न आया था ना अभी, बी और सी जल और वसा दोनों में नहीं होंगे, तो दूसरा गलत है और ये कार्बनिक यौगिक होंगे, पहला भी गलत हो जाएगा। पढ़ के संभल के सही से तब उत्तर दिया कीजिए। तो ये अंतिम प्रश्न रहा इसका, अब करंट अफेयर हम देखेंगे, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, व्याख्या आपकी दी हुई है, पीडीएफ में देख लीजिएगा। देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा, स्मॉग टावर बनाया जा रहा है और स्मॉग टावर का उद्घाटन ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये अवसर दिया गया है, वो करेंगे कनॉट प्लेस में, बाबा खड़क सिंह मार्ग जो है, जिन्होंने दिल्ली में सीपी देखा होगा, मार्ग भी देखा होगा, मुझे तो याद है, तो स्मॉग टावर का उद्घाटन वहां होगा और हर सेकेंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की क्षमता ये रखेगा। तो दिल्ली में हो रहा है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, वही इसको करेंगे। अगला जो प्रश्न है, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, इंपॉर्टेंट डे है, किस तिथि को मनाया जाता है, तो आज ही के दिन 21 अगस्त को यह मनाया जाता है, 2021 में भी ये मनाया जा रहा है, 14 दिसंबर 1990 को ये प्रस्ताव पारित किया गया था, उसके बाद ये मनाया जाता है, ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पारित किया गया था और इस दिन की स्थापना आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जो थे, उन्होंने बड़े वयस्कों के मुद्दों और उनसे संबंधित जो चीजें हैं उनको समर्पित करने के लिए एक दिन रखने की बात 1988 में की थी, तो 90 में फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको पास किया था। इंसेल मूवमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इंसेल मूवमेंट जो है ये आंदोलन ब्रिटेन के प्लायमाउथ में एक बार फिर सुर्खियों में आया है, तो प्लायमाउथ में आया है ये याद रखना है, महिलाओं के बारे में लगातार गलत अवधारणा का प्रचार करते हैं इसके जो समर्थक होते हैं इंसेल मूवमेंट के, और इसके समर्थक ये महिलाओं को उनकी खराब यौन और सामाजिक स्थिति के लिए दोषी मानते हैं कि हमारी जो खराब यौन स्थिति है, हमारी जो सामाजिक स्थिति है खराब, उसके लिए महिलाएं जिम्मेदार है। ये जो भेड़िया रूपी जो पुरुष है, इनकी जो सोच है वास्तव में ये कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है, बात पुरुष महिला की नहीं है, चाहे वो यौन सुख की बात हो या किसी ऐसी किसी भी चीज की बात हो, चाहे वो आप किसी भी रूप में ले लें, ऐसे जो गंदे कृत्य होते हैं, व्यक्ति जब वासनाओं का वशीभूत हो जाता है तो ऐसे कदम रखता है, अब उसके लिए इल्जाम किसी पे भी लगाया जाए, लेकिन ये ऐंद्रिक जो सुख है ये इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल भी किए जा सकते हैं, उनको नियंत्रित किया जा सकता है और कई व्याधियों की ये जड़ होती है, नशा भी इसमें जोड़ दीजिए तब तो सोने पे सुहागा भी हो जाएगा, तो ऐसी व्याधियों को दूर करने का प्रयास खुद व्यक्ति को करना चाहिए, और ये सभी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है, इंसेल मूवमेंट। ठीक है, आप लोगों के पास बहुत सारे लोग होंगे आपकी नजर में होंगे जो रात दिन बस केवल यही बात करते रहते हैं, यौन सुख की बात करते हैं, सेक्स की बात करते रहते हैं, उनके जीवन में और कोई उद्देश्य नहीं है, वो केवल इसी के आगे पीछे भटका करते हैं, और ऐसे लोगों का जीवन फिर अंत में कोई बड़ा आप मुकाम हासिल करने के लिए कहिए कि वो उपयोग कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है ना। और ये जो मूवमेंट है ये ऑनलाइन उपसंस्कृति, जिसमें एक ऐसे पुरुष शामिल है जो स्वयं को अनैच्छिक ब्रह्मचारी के रूप में मानते हैं, महिलाओं के बारे में वो गलत अवधारणा स्वीकार प्रचारित करते हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति उन्हीं के कारण हुई है, अरे उनके कारण क्यों हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं महिलाएं जो है वो कोई जिम्मेदार नहीं है,
अरे आज देखिए क्या फैलाया जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड सब क्या कर रहे हैं, केवल कामुकता, कामुकता की सामग्री का प्रसारण हो रहा है ना। छोटे बच्चों से गाना गला कौन सा गवाया जा रहा है, बचपन का प्यार मिला भूल नहीं जाना रे। अब कभी किसी बच्चे की पढ़ाई लिखाई की बात कब वीडियो क्यों नहीं जारी होता है, कोई छोटा बच्चा कुछ अच्छा काम करता है उसका वीडियो क्यों नहीं जारी होता है, ये मीका सिंह और फलाने बादशाह और ये सब ऐसे लोगों का वीडियो क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं जो, लेकिन बस उनकी समस्या नहीं है, ये समाज की समस्या है। और समाज की समस्या ये है कि वल्गर चीजें जो होती हैं वो ज्यादा फेमस होती है, हर जगह जो सस्ती लोकप्रियता है वो सबसे आगे चल रही है, बात समझ में आ रही है। तो बाकी इसे सब दिया हुआ पढ़िएगा, ऐसी चीजों से गुस्सा आती है, रेड पिल ब्लैक पिल है ना, ब्लैक पिल थ्योरी जो असर इंसल से जुड़ी हुई है, पराजयवादी विचार को बढ़ावा देती है, जन्म के समय ही आपका भाग्य निर्धारित कर दिया जाता है, ऐसी विचारधारा है, आप जो भी बदलाव करने की कोशिश करते हैं उसमें आपकी यौन पूंजी सेक्सुअल कैपिटल को बदला नहीं जा सकता कुछ भी आप कर लें। और जो रेड पिल है इसमें है कि विश्व में जो महिलाएं हैं विश्व महिलाओं के प्रति पक्षपाती है और नारीवाद को महिला सर्वस्व के रूप में देखता है, इस तरीके की इसमें बातें की गई हैं, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ज्यादातर मूवमेंट पूछा जाएगा। हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया, ये संस्करण कौन सा है जो अभी लॉन्च हुआ है, तो इस संस्करण का आपसे दूसरा सातवां पांचवा पूछा जा रहा है, तो पांचवा अभी संस्करण इसका लॉन्च किया गया, जो ये संस्करण है ये पांचवा है, 19 अगस्त 2021 को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज के पांचवे संस्करण को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अब इसमें इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता हासिल करने रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्र में इनोवेशन को टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए ये बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है, पांचवें संस्करण को रक्षा मंत्री ही करेंगे। अगला जो प्रश्न है, भारत में संस्कृत सप्ताह मनाया गया, संस्कृत भी खैर खास करके यूपीएससी और यूपीपीएससी तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हुई जा रही है, तो 19 अगस्त से 25 अगस्त 2021 के बीच में संस्कृत सप्ताह, सभी हमारी जो हिंदी भाषा है उसकी जननी उसकी माता, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है, बस केवल यूपीएससी और यहीं तक सिकुड़ के रह जा रही है ना, ठीक है। तो संस्कृत दिवस मनाने की बात या संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कागज पे ही रह जाती है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है, 3 बच्चों की नीति, एक बच्चे नहीं 3 बच्चे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये करने वाला है चाइना, पहले 1 child policy अब 3 child policy चाइना अपना रहा है, वहां पे संख्या कम हो रही है, 3 बच्चों की नीति 3 child policy का समर्थन किया है, 3 दशकों से अधिक समय से 1 बच्चे की नीति वहां पे लागू थी, 400 मिलियन से ज्यादा जन्म को रोका गया वहां पे, और अब 3 बच्चों की, अब बहुत जन्मदर में गिरावट हो रही है, आगे वर्किंग फोर्स कहां से आएगी, वर्कफोर्स कहां से आएगा, वर्किंग लोग कहां से आएंगे, तो इसलिए इसको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माइनॉरिटी सर्विंग इंस्टीट्यूशन MSI फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में चुना गया है, कौन है उस भारतीय का नाम क्या है, तो उस भारतीय का नाम है दीक्षा शिंदे, क्या नाम है, दीक्षा शिंदे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, दीक्षा शिंदे औरंगाबाद में एक 14 वर्षीय महिला लड़की है, और उनको अभी नासा ने MSI फेलोशिप के वर्चुअल पैनल में पैनलिस्ट के रूप में जगह दी है ना। उन्होंने ब्लैक होल पर एक सिद्धांत लिखा था और इसे नासा में पसंद किया गया और स्वीकार किया गया, बिलीव इन ब्लैक होल, ये उनका शोध पत्र यही था, उनका जो रिसर्च पेपर है शोध पत्र वो यही था, ध्यान रखना है आपको। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन द्वारा आयोजित अनुसंधान प्रतियोगिता हुई थी, तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च जो कोलैबोरेशन हुआ उसमें इन्होंने प्रतियोगिता जीती, उसके बाद में इनका ये हमने चर्चा किया था पहले, इसकी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने जब ये किया उसके बाद में ये चर्चा में आई, तो उनका शोध पत्र उनके पास गया, तो उन्होंने पसंद किया, 18 साल की जब हो जाएंगी तो नासा में प्रशिक्षण मिलेगा इनको, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, नासा कहाँ की एजेंसी है, अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं, आप लोग माहिर हैं, छोटे बच्चे तो है नहीं, खलासी ग्रुप बी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं। हाल ही में किस संगठन के साथ पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए भागीदारी की है, ये इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनियां आजकल बहुत बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रही हैं, मेक माई ट्रिप और आईबीबो जो है, तो मेक माई ट्रिप और आईबीबो के साथ में ये भागीदारी पर्यटन मंत्रालय ने की है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए, सब कंपनियां हैं जो कि आप होटल बुक कर सकते हैं, पर्यटन का पैकेज, कहीं पे आप ट्रेवलिंग करने जा रहे हैं उसका पैकेज ले सकते हैं,
साइट बुकिंग आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, है ना। तो एक साथी ओटीए प्लेटफॉर्म साथी पर स्वयं को प्रमाणित किया है। एमयू का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि उन इकाई आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता प्रदान की जाए जिन्होंने साथी प्लेटफॉर्म पर खुद को प्रमाणित किया है। तो साथी प्लेटफॉर्म सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो उसपे जिन्होंने किया है उनको इसमें वरीयता दी जाएगी, है ना। अब ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है, साथी का फुल फॉर्म आप जान जाइए, बाकी पहले ही क्लियर टिप yatra.com और इज माई ट्रिप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पहले ही चुके हैं, अभी हस्ताक्षर ये इनके साथ किए गए हैं, ठीक है। तो हो सबके साथ जाए। किस संगठन ने ईशील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया है? इंश्योरेंस उत्पाद है और लाइफ इंश्योरेंस है, किसने लॉन्च किया है? तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने ही ईशील्ड नेक्स्ट लाइफ इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया है। और व्यक्तिगत नॉन लिंक्ड जीवन बीमा शुद्ध जोखिम प्रीमियम उत्पाद है ये, ना तो शेयर बाजार से जुड़ा है ना ही कोई अन्य लाभांश साझा ये करता है, SBI का है, बस इतना ध्यान रखना है। SBI हमारे यहाँ के सबसे बड़े बैंकों में। बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए भारत ने किस संगठन के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? तो ये जो समझौता हुआ है वो एशियाई विकास बैंक के साथ हुआ है। किसके साथ? एशियाई विकास बैंक के साथ, ध्यान रखना, एशियाई विकास बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको कैसा लगा जरूर बताएं, पढ़ते रहे, कल आपका टेस्ट होगा। कई लोग कह रहे थे कि मैसेज किए थे कि रक्षाबंधन है सर, इधर उधर रहेंगे, टेस्ट ना हो, तो आप लोग ग्रुप में बता दीजिएगा, टेस्ट तो होना ही है, टाल टाल के उसको क्या करेंगे। थैंक यू सो मच। व्यस्ततम लाइफ में से थोड़ा सा निकाल के टेस्ट दे दीजिएगा।